तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है डॉक्टर बी राव इंस्टीट्यूट ऑफ पोल्ट्री मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आज हम इसका ओवरव्यू देखने जा रहे हैं, कैंपस का ओवरव्यू। तो सबसे पहले जब भी हम आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो सभी तरफ देखो, सभी तरफ हरियाली हरियाली दिखेगी आपको। और ये है साइन बोर्ड, यहाँ पे इस साइड में, राइट वाले साइड में फैकल्टी क्वार्टर से गर्ल्स हॉस्टल है और फैकल्टी मेस है। और इधर लेफ्ट साइड में देखेंगे, अभी लेफ्ट साइड में है इंटरनेशनल हॉस्टल और ऑडिटोरियम, जिम्नेशियम, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग। और यहाँ पे आप कैंपस देख पा रहे हैं, बिल्कुल भी एकदम मतलब ग्रीन सा और पूरा सा पूरा मतलब ग्रीन ग्रीन है। सभी तरफ, चारों तरफ हरियाली हरियाली है और सभी सभी तरह के पंछी यहाँ पे, कोयल वियल चिड़िया मतलब आते रहते हैं। और यह है इंटरनेशनल हॉस्टल, देखेंगे अभी। यहाँ पे एब्रॉड से लोग आते हैं पढ़ने के लिए, फ़िलहाल तो ये खाली है अभी, मगर जब भी मतलब बैच रहती है तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टे कर दे। और यह है ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम का व्यू हम आगे से भी देखेंगे। उसके बाद आगे चलते हुए ये है कैंपस का गार्डन, बहुत ही शानदार गार्डन है कैंपस का। और उसके बाद ये IPMT लिखा है यहाँ पे। और ये है ऑडिटोरियम का फ्रंट लुक, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम वोग्राम फंक्शन वंक्शन होते हैं। उसके बाद हम जाएंगे अभी मेन बिल्डिंग की ओर। तो मेन बिल्डिंग की ओर देखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे देखो सब फनस वनस लगे हैं बढ़िया। और ये है इंस्टीट्यूट का मेन लोगो, प्रॉपर तरीके से एकदम बनाया हुआ है। और ये है फ्रंट गेट, यहाँ पे, यहाँ से जाएंगे तो अब हमें अब ऑफिस और ये क्लासरूम देखने को मिलेंगे अंदर। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल बंद है, क्लासेस बंद है। उसके बाद इधर है, धीरे धीरे आगे जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे मिलेगा अपने को मेस और बॉयज़ हॉस्टल। ये दोनों भी मतलब एकदम आमने सामने हैं, बिल्कुल भी मतलब पास ही है। ये है बॉयज़ हॉस्टल, काफ़ी बड़ा है, 120 बच्चे तक की कैपेसिटी है। और उसके साइड में अपन मतलब अपोजिट ही देख पाएंगे बिल्कुल। यहाँ पे है मेस, मेस में भी बढ़िया एकदम, खाने वाने का एकदम बढ़िया है। और ऊपर है टीवी रूम और ये कैरम वरम, चेस वेस खेल सकते हैं ऊपर। ठीक है, उसके बाद हॉस्टल में देखेंगे यहाँ पे अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 ईयर के बच्चे आप इधर इधर साइड वाली इस जगह पे स्टे करते हैं, और इधर जो है 6 मंथ वाले बच्चे स्टे करते हैं। और ऊपर भी है जैसे मतलब फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। और कैंपस में हमेशा मतलब 12 महीने आपको गीज़र की ये सुविधा मिलेगी, कभी भी आप गर्म पानी से मतलब ले सकते हो। उसके बाद अपन रूम देखेंगे, तो रूम देखते हुए देखो अभी रूम, ये है रूम इस तरह का। अभी शेड की ओर बढ़ेंगे हम, शेड में मतलब बहुत सारे शेड है यहाँ पे, ब्रॉयलर के शेड है, कॉकरेल के शेड है और लेयर के भी शेड है। इन शेडों में इंटरनेशनल ट्रायल, CBF की ट्रायल भी चलती रहती है और CBF में भी बर्ड आते हैं। तो यहाँ पे सभी फार्म एकदम मतलब क्वारंटाइन और अंडर बायो सिक्योरिटी में है। इधर लेयर है और ये ब्रॉयलर शेड। और कैंपस का आप नज़ारा तो मतलब देखते ही रह जाओगे, अगर यहाँ पे आओगे आप देखते ही रह जाओगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ब्रॉयलर के बी शेड, ये सब बी शेड है मतलब B1 से लेके B9 तक, ऐसे 9 शेड यहाँ पे बड़े बड़े शेड बने हैं। उसके बाद एकदम यहाँ पे चारों ओर मतलब पूरा मतलब बायो सिक्योरिटी मेंटेन रहता है और यहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है फ़िलहाल, मतलब स्टूडेंट ही रहते हैं सिर्फ जो भी रहते हैं, बाकी किसी को भी यहाँ पे आने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। और देखो सभी तरफ मतलब ग्रीन ग्रीन है यहाँ पे लास्ट तक देखो आप। उसके बाद हम देखेंगे शेड में, ये हैं ब्रॉयलर बर्ड्स, ब्रॉयलर बर्ड देखो। और ये है लेयर का सेक्शन, ठीक है। और लेयर में देखेंगे यहाँ पे मतलब पोटेशियम परमैंगनेट का यहाँ पे पानी रहता है, फ़िलहाल तो नहीं है, वहाँ पे पाउडर डुबो के जाना पड़ता है अंदर। और ये देखो सभी लेयर का, ये तो अभी तो पेरेंट, यहाँ पे पेरेंट रहते हैं, कमर्शियल नहीं है लेयर। ये देखो कैसे है बर्ड। तो बस यही है IPMT का कैंपस।